हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा की क्लासेस जो चल रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो टीवी का क्लास पार्ट 34 है और इलेक्ट्रिकल जिसमें डिप्लोमा और बीटेक और कुछ आईटीआई भी कहें तो आईटीआई के लिए बेसिक प्रश्न यहाँ 41 नंबर है इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड। तो ये दोनों कॉम्बाइंड इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक है सीआरओ का, जिसको कोई बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक आध प्रश्न या दो प्रश्न हमेशा आया करता है कम्पिटिटिव एग्जामों में किसी न किसी करके, और बिल्कुल आसान से प्रश्न आते हैं जिसको छोड़ना खतरों से खाली नहीं है, यानी आपको सभी लोग करेंगे और अगर आप नहीं करते हैं तो एक नंबर कम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे आगे थोड़ी थोड़ी इसमें टॉपिक पे। तो पहले हम यहाँ बता दें आपको कि 34 नंबर का 33 नंबर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट रूप में मिलेगा और वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल का 40 का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम शुरुआत करने से पहले जानते हैं कि कैथोड रे या इसे सीआरओ को कई बार सीआरटी भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैथोड रे ट्यूब में भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ हम प्रश्न लेंगे टोटल आपका 22, लेकिन 22 प्रश्न लेने से पहले हम पहले जान लें सीआरओ होता क्या है। तो सीआरओ कुछ इस तरह का संरचना होता है। इस संरचना में बोलते हैं कि आपका एक स्क्रीन होता है जिसपे विजुअल सिग्नल दिखता है। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और कोई भी शेप, ये तीन चीज़ ही यहाँ पे दिखते हैं। तो ये तीनों चीज़ क्वांटिटी याद रखिएगा, इससे भी एक प्रश्न आता है। लेकिन अगर बोला जाए सीआरओ क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है या आपका डिवाइस है। क्लियर है, अगर इनपुट आप देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो आपको विजुअल सिग्नल, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और शेप आपको आउटपुट में दिखेगा। लेकिन बहुत सारे प्रश्न यहाँ आते हैं तो उसको एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन कॉम्बिनेशन है आपका यहाँ से यहाँ तक, कैथोड, ग्रिड, एनोड, वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन कभी अगर पूछ दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है कैथोड से उसको हाई वेलोसिटी के साथ विजुअल आपका फास्फोरस स्क्रीन जो होता है वहाँ तक पहुँचाने के काम करता है और एक्सीलरेट करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। लेकिन अब एक एक टॉपिक पे बात कर ले एक एक करके। तो इनपुट पिन में आप क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके बाद इसका बेस होता है और वहाँ पे एक होता है हीटर, देख सकते हैं हीटर लगा हुआ है, उसके बाद होता है आपका ये कैथोड। तो कैथोड से ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। पहले इलेक्ट्रॉन बिंदी बिंदी जनरेट होता है लेकिन उसको कंट्रोल ग्रिड उसको क्या करता है, लिमिटेड या कंट्रोल करता है किसे, इलेक्ट्रॉन को, और इसको एक डायरेक्शन भी प्रदान करता है। उसके बाद आता है पीरी एसिलरेटिंग एनोड, एनोड उसको पीरी एसिलेट यानी बढ़ाने के लिए एक डायरेक्शन दे देता है। उसके बाद फोकस एनोड होता है, फोकस एनोड भी उसको उसी डायरेक्शन में एक तरफ फोकस करवाता है, और फाइनली एसिलेटिंग एनोड होता है जो आगे की तरफ बढ़ा देता है। उसके बाद दो दो सेट में होता है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, इसको एम्पलीफायर भी कई बार बोल दिया जाता है या प्लेट भी बोलते हैं। तो ये इसका काम है, और बीम सीधा डायरेक्शन जाके आपको लास्ट में टच करता है आपको फास्फोरस कोटिंग का। एक प्रश्न आता है कि इसके स्क्रीन पे क्या कोटिंग हो किया जाता है। तो ये एडिक्वेट को एक्वेडेक कोटिंग होता है जिसमें फास्फोरस कोटिंग के नाम से भी जानते हैं, जिस पे ही लाइन दिखती है। तो ये बेसिक आपने फंक्शन जान लिया, बेसिक सीआरटी में क्या कहाँ होता है वो आपने देख लिया। तो एक एक करके हम इसके प्रश्न को ले लेते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल से प्रश्न से जो आईटीआई लेवल पे इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो पहला है सीआरओ स्टैंड फॉर, सीआरओ को क्या बोलते हैं। तो पहला कह रहा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कार्बन रे, उसके बाद कैथोड रे और कैथोड रे ऑसिलेटर, कौन सा इसमें से सही है। तो हमने पहले ही बात किया कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को बोलते हैं सीआरओ, और कई बार सीआरटी मिल जाए तो यहाँ पे रे के बाद टी मतलब ट्यूब हो जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर प्रश्न है सीआरओ में कौन सा वेरिएबल डायरेक्टली मापा नहीं जा सकता। तो हमने जो फोकस की बात किया था तो फोकस पे क्या क्या माप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और शेप। शेप क्या है, फेज डिफरेंस के रूप में भी हो सकता है। तो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और शेप माप सकते हैं लेकिन करेंट नहीं नाप सकते। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पे है डी।
उसके बाद है पूछ रहा है सीआरओ का दी टाइम बेस्ड सिग्नल सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल किस टाइप का होता है वो बनाना है। पहला कह रहा है सिनुसाइडल सिग्नल, दूसरा कह रहा है स्क्वायर वेव सिग्नल, तीसरा कह रहा है सॉ टूथ सिग्नल और चौथा कह रहा है ट्रिंगुलर वेव सिग्नल। तो टाइम बेस्ड सिग्नल होता है सॉ टूथ, इस टाइप का सिग्नल होता है एड़ा टेढ़ा जिसको बोलते हैं सॉ टूथ सिग्नल, और राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद अगला है चार नंबर प्रश्न। तो चार नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि एक ऑसिलोस्कोप में चार सेंटीमीटर की स्क्रीन है, यानी लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर, उसका अपना स्वीप आउटपुट से इनपुट फीड हो रहा है। इफ़ एक्स वाई सेंसिबिलिटी आर सेम, दोनों एक्स वाई क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन या एम्पलीफायर की डिफ्लेक्शन प्लेट की सेंसिटिविटी दोनों की बराबर है तो ऑसिलोस्कोप के क्या दिखाई देगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे दोनों बराबर है तो दोनों के डायरेक्शन में अगर सॉ टूथ देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का तो ये क्या बनेगा, दोनों को कॉम्बिनेशन किस रूप में बनेगा वो बताना है। सॉ टूथ वेव बनेगा, ट्रिंगुलर बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, डायगोनल लाइन बनेगा। तो इसकी इनपुट हम पहले ही जानते हैं सॉ टूथ होता है तो ये तो सिंपल बनेगा नहीं, ट्रिंगुलर नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक लाइन ऐसी बनेगी जो आपकी सीआरटी के डायगोनल होगा कोने में, लंबाई चौड़ाई बराबर क्योंकि एच और बी दोनों की सेम सेंसिटिविटी और दोनों का अपने स्वीप जनरेटर से है तो ये डायगोनल लाइन बनेगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी है। उसके बाद हम अगला प्रश्न बात करेंगे पाँच नंबर। तो यहाँ बोल रहा है ये ड्यूल ट्रेस सीआरओ है, एक ड्यूल ट्रेस सीआरओ है उसमें क्या क्या होता है वो बताना है। तो पहले कह रहा है वन इलेक्ट्रॉन गन, टू इलेक्ट्रॉन गन, वन इलेक्ट्रॉन गन, टू प्लेट स्विच, वन इलेक्ट्रॉन गन, टू प्लेट स्विच, वन हॉरिजॉन्टल और वन वर्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है वो बताना है। तो ड्यूल ट्रेस में ये लास्ट के आंसर डी मान लीजिए, आपके पास वन इलेक्ट्रॉन गन इसमें होता है, टू पोल स्विच होता है, उसके बाद वन हॉरिजॉन्टल और वन वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, ये सारे होते हैं, इसे ड्यूल ट्रेस सीआरओ बोलते हैं। तो इसका आंसर आपके पास डी है। उसके बाद आपको पूछ रहा है इन सीआरटी एक्वेडेक कैरी क्या करता है वो बताना है आपको पे। तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन आपके पास अलग अलग दिए हुए हैं। पहला कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट स्वीप वोल्टेज, उसके बाद सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन और नन ऑफ दी अबव। तो कैरीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे होता है सेकेंडरी एमिशन और इलेक्ट्रॉन, और किसके कारण से होता है तो वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। तो यहाँ के कंडीशन में आपका राइट आंसर सी होगा, लेकिन अगर पूछ लिएगा कि किसके कारण होता है तो सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट रखिएगा। तो राइट आंसर सी है, सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सातवें नंबर प्रश्न पे जाएंगे। तो सातवें नंबर प्रश्न कर रहा है अभी जब कभी ट्रांजिएंट ड्यूरिंग दी स्विच ऑफ पावर सप्लाई आर टू बी स्टडीज, देखिए स्टडीज उसको स्टडी करना है, तो इनमें से कौन सा ऑसिलोस्कोप अच्छा रहेगा वो आपको बताना है। पहला कह रहा है ऑर्डिनरी, उसके बाद कह रहा है ड्यूल बीम, उसके बाद कह रहा है ड्यूल ट्रेस और लास्ट में है स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चारों टाइप के ऑसिलोस्कोप का यूज होता है, लेकिन यहाँ बोला है स्टडी ऑफ पावर सप्लाई एंड ट्रांजिएंट टाइम के दौरान, तो इस टाइप में आपका होता है स्टोरेज। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी है, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे। तो अगला प्रश्न नेक्स्ट स्लाइड में आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम सीआरओ की बात करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस लगभग होता है कितना, नियरली इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बताना है, और कई बार ये प्रश्न आ चुका है, 0 ओम, 10 ओम, 100 ओम और 1 मेगा ओम। तो सीआरओ का इम्पीडेंस हाई होता है तो यहाँ पे आप राइट में डी में देख लें, 1 मेगा ओम के बराबर होता है, लगभग होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 9, 10, 11, 12, एक साथ चारों प्रश्न लेकिन ऑप्शन सबके लिए सेम। तो पहला कह रहा है स्टोरेज टाइप के सीआरओ है उसका यूज कहाँ करना है, तो इसको एक बार क्लियर कर ले दिया जाए, इधर की तरफ सीआरओ है, इधर की तरफ यूज है, यानी प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए पहले आपका स्टोरेज कह रहा है, तो स्टोरेज में चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला कह रहा है वोल्टेज एंड करंट ट्रांजिएंट स्टडी, तो हमने अभी पढ़ा था सीआरओ के लिए स्टोरेज टाइप के सीआरओ किस में होता है, ट्रांजिएंट स्टडी
में यूज होता है। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास डायरेक्ट मिल गया ए। तो 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 10 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन के लिए किस प्रकार का सीआरओ यूज किया जाता है, उसका पर्पस क्या है वो बताना है 10 नंबर का। तो इसके लिए यूज किया जाता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ टर्म लग जाए, स्टैटिक मतलब वोल्टेज से रिलेटेड है, वोल्टेज वेरिएशन से, तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। तो 10 का आंसर आपके पास डी है, एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट में यूज होता है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन टाइप के सीआरओ। उसके बाद मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन टाइप के सीआरओ किस में यूज होता है वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होता है तो टीवी रिसीवर में यूज होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद मल्टी ट्रेस, बहुत सारे सिग्नल को ट्रेस करने के लिए कंपेरिजन ऑफ वेव फॉर्म ऑफ टाइम डोमेन, ये यूज होता है, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। इस आंसर को आप देख ले, स्टोरेज के लिए आपका वोल्टेज एंड कंकरेंट ट्रांजिएंट स्टडी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन के लिए एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट, उसके बाद मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के लिए 11 नंबर का आपका है टेलीविजन रिसीवर, और मल्टी ट्रेस के लिए आपका है कंपैरिजन ऑफ वेव फॉर्म इन टाइम डोमेन। तो राइट आंसर यहाँ आपके 12 तक का हो गए। उसके बाद हम 13 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक ड्यूअल ट्रेस सीआरओ में कितने टाइम बेस्ड सर्किट होते हैं। तो टाइम बेस्ड सर्किट आपको पता करना है, तो हमेशा यहाँ पे ड्यूअल ट्रेस है लेकिन टाइम बेस्ड सिग्नल एक ही है, राइट आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। एक न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है, छोटी सी न्यूमेरिकल है, इससे प्रश्न आ जाया करता है। यहाँ पूछ रहा है एक लीसा जोएस पैटर्न, जो आपको सिग्नल दिखता है इस टाइप का टेढ़ा एड़ा सीआरओ में, किसी भी टाइप का, एक दूसरे के कटिंग में, गोल सर्किल में, एलिप्स में, वो पैटर्न को क्या बोलते हैं, लीसा जोएस पैटर्न, ये भी याद रखिएगा। और एक किस टर्म में होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एफ वाई एफ एक्स, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके टर्म में यूज होता है। तो ऑसिलोस्कोप ऑसिलोस्कोप हैज 5 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी एंड 2 वर्टिकल टेंजेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल इनपुट इज 1 kHz, यानी 1000 Hz है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वर्टिकल इनपुट, हॉरिजॉन्टल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वर्टिकल का फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो यहाँ ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो 400 है, 2500 Hz है, और 4000 Hz है, और फाइनली जो है 5000 Hz है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है एफ वाई बटा एफ एक्स बराबर एन एच बराबर एन वी। एफ से फ्रीक्वेंसी है, ए वाई और एक्स आपका एक्सिस है, एच हॉरिजॉन्टल है, बी वर्टिकल है। उसके बाद हमने टेंजेंशियल की बात किया था, एन टेंजेंशियल टर्म है। तो यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए, आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है कितना, 1000, एन बी दिया हुआ है कितना है 2, एन एच कितना दिया हुआ है 5, देख सकते हैं 5 हॉरिजॉन्टल है, 2 वर्टिकल है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ वाई। तो एफ वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या लिखेंगे, पहले हम 5 को हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, या एक बार हम इसे लिख दें फॉर्मूले के टर्म में, एफ एक्स गुना फ्रीक्वेंसी कितना था एन, एफ एक्स की फ्रीक्वेंसी थी और एन हॉरिजॉन्टल का क्या था एन एच, उसके बाद एन बी, तो एन बी आपको दिया हुआ था कितने 2, और एफ एक्स कितना है 1000, और एन एच कितना है 5, और एन बी क्या है 2। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 500, और 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 Hz आपकी आंसर आ जाएगी, राइट आंसर यहाँ पे बी है। तो 2500 Hz आपकी राइट आंसर बी है। इसी तरह के और कोई भी प्रश्न आए तो इस फॉर्मूले पे रख के कैलकुलेट कर लें। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज कैन बी मेजरेड ए सीआरओ यूजिंग, सीआरओ के यूजिंग कौन सा प्रयोग करके हम फ्रीक्वेंसी इससे कर सकते हैं। तो पहला है ड्यूअल ट्रेस मेथड मॉड्यूलेशन, जेड मॉड्यूलेशन मेथड, लीसा जोएस पैटर्न मेथड, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने अभी भी बात किया था एफ वाई बटा एफ एक्स बराबर एन एच डिवाइडेड बाई एन बी। तो इसमें किसका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए कौन सा ये पैटर्न था, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, लीसा जोएस पैटर्न मेथड। तो ये याद रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो यहाँ राइट आंसर बी होगा यहाँ भी।
तो 15 का आपको आंसर मिल गया बी। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न बात करेंगे, तो 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ट्रिगर सर्किट ऑन ऑसिलेटर ऑसिलोस्कोप, यानी सीआरओ भी कह सकते हैं, कौन सा इसमें सही है वो बताना है। तो इसको ऊपर की तरफ हम ले लें, तो यहाँ पे आप पढ़िए, पहला कह रहा है डिटरमाइन द स्वीप स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, दूसरा कह रहा है इट कंट्रोल द स्टार्ट द हॉरिजॉन्टल स्वीप, इट कंट्रोल बाय द पीरियड ऑफ द वेव, इट कंट्रोल द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन। किसके बारे में पूछ रहा है? ट्रिगर सर्किट के बारे में पूछ रहा है। तो ट्रिगर सर्किट क्या करता है इसका? इट कंट्रोल डी स्टार्ट दी हॉरिजॉन्टल स्वीप। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी है, जिसमें कंट्रोल करता है, कंट्रोल एन स्टार्ट दी हॉरिजॉन्टल स्वीप को करता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है दी डिफ्लेक्शन सेंसिविटी ऑफ सीआरओ डिफाइंड इन टर्म ऑफ, सीआरओ में डिफ्लेक्शन सेंसिविटी किस के टर्म में डिफाइंड होता है वो बताना है। तो यहाँ पे पहला है मिलीमीटर सेकंड, मीटर एम्पियर, मीटर वोल्ट, मीटर अब्लिक डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मीटर पर वोल्ट में डिफाइंड होता है, और राइट आंसर सी है, और मीटर पर वोल्ट ऐसा भी लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा। तो याद रखिएगा इस टर्म को, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी की यूनिट या किसके टर्म में डिफाइंड होगी, तो मीटर टर्म, मीटर पर वोल्टेज के टर्म में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 18 नंबर आएगा, तो 18 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऑसिलोस्कोप में दिखता है सिग्नल करैक्टरसिस किस में दिखता है, वो हमने पहले भी ऑलरेडी बात कर चुका है कि इस तरह का अगर हमारा सीआरओ का आउटपुट है तो इसमें क्या दिखता है, एफ बी और सेप, सेप में एंगल भी हो सकता है, तो एम्पलीट्यूड पीरियड एंड सेप तीनों दिखता है। तो एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, पीरियड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और सेप किसके वंग में, एंगल के टर्म में। तो यहाँ घबराना नहीं है, प्रश्न अगर बदल दे एम्पलीट्यूड, सेप और पीरियड दे दिया तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड को वोल्टेज के टर्म में ही तो लिखते हैं, अगर आपको वोल्टेज दिखाना है तो यहाँ क्या लिखेगा, एम्पलीट्यूड ही तो लिखते हैं, और यहाँ वोल्टेज इसमें हम दिखाते हैं 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो आपको घबराना नहीं है, पैटर्न सेम है। पीरियड को क्या लिखते हैं, पीरियड को टाइम पीरियड के रूप में लिखें या उसे लिखें, लेकिन फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी है, और शेप का एंगल से कितने डिग्री का वो एंगल बनेगा, डायगोनल बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, सर्कल बनेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं इस पे सर्कल पे याद आ गया, किसी लीसा जो इस पैटर्न में पाई बराबर टू है तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न आपका मिल गया आंसर डी। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीआरटी एलिमिनेट बिकाउज ऑफ, पहले कह रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सीआरटी एलिमिनेट बिकाउज, किसके कारण से एलिमिनेट होता है, पहला कह रहा है सेकेंडरी एमिशन, थर्मोनिक एमिशन, डिफ्यूजन, और है पोस्ट एसिलेशन किसके कारण से होता है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन गन में पार्ट का उससे रिलेटेड है, लेकिन एमिशन का एलिमिनेशन किसके द्वारा होता है, थर्मोनिक इमिशन द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का आपके पास बी है। उसके बाद सिंक कंट्रोल का उद्देश्य क्या है, SYNC कंट्रोल का उद्देश्य क्या है सीआरओ में, वो बताना है आपको। पहला कह रहा है सेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन, फोकस द स्पॉट ऑन द स्क्रीन, लॉक द डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन, एडजस्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्ले, क्या है इसमें वो आपको बताना है सिंक कंट्रोल के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा ये काम करता है लॉक द डिस्प्ले ऑफ सिग्नल, सिंक का काम होता है लॉक ऑफ डिस्प्ले ऑफ सिग्नल को लॉक कर देता है फाइनल आने के बाद। उसके बाद प्रश्न संख्या 21, तो प्रश्न संख्या 21 के लिए हम आगे चलेंगे, जिसमें पूछ रहा है आपसे कि एक कैथोड रे ट्यूब बदलता है, किसको बदलता है। सबसे हमने शुरू में बात किया कि अगर इलेक्ट्रॉन में हम यहाँ पिन है और यहाँ पे हमारा सीआरटी का स्क्रीन है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बदलता है पूरी प्रोसेस, यहाँ इनपुट देते हैं आप, आउटपुट में आपको क्या मिलता है। तो इनपुट में क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आउटपुट में क्या मिलता है, विजुअल सिग्नल,
तो ये क्या बदलता है इसी को बताना है आपको। यहाँ पे वोल्टेज इंटू करेंट, एसी वोल्टेज इंटू डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज इंटू एसी वोल्टेज, और डी आंसर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू विजुअल सिग्नल। तो यही आपका सीआरटी का मेन फंक्शन होता है या सीआरओ का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और ये सिग्नल को किस किस टाइप के होते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड शेप, और कई बार कह दिया जाए तो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड एंगल, सेम इसी का रूप है। तो इसको अगर बदल के लिख दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट सवाल इस वीडियो का, जिसमें पूछ रहा है इन ए सी आर ओ दी इंटेंसिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ रेगुलेटेड दी इंटेंसिटी कंट्रोल रेगुलेटेड किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो आपको बताना है। पहला कह रहा है वोल्टेज अप्लाइड दी दी कैथोड, वोल्टेज अप्लाइड टू दी कैथोड, एसोलेटिंग एनोड, फोक्सिंग एनोड और कंट्रोल ग्रिड। तो हमने जो सी आर टी बनाए थे तो कंट्रोल ग्रिड का एक रोल हमने बात किया था। कंट्रोल ग्रिड आप यहाँ देख ले, ये कंट्रोल ग्रिड है। ये कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, आपकी सी आर ओ की इंटेंसिटी कंट्रोल करता है। पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है वो डॉट डॉट फॉर्म में होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसको कंट्रोल करके कंट्रोल ग्रिड एक डायरेक्शन में बीमेट करता है, एक डायरेक्शन प्रदान करता है कि आगे की तरफ बढ़े। तो क्या कर रहा है कंट्रोल ग्रिड, क्या करता है इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ रेगुलेट, इसी का काम है आपका कंट्रोल ग्रिड का। तो वोल्टेज अप्लाइड टू दी कंट्रोल ग्रिड, राइट आंसर डी है। तो यहाँ पे आपने सीआरटी एक बार और देख लें अपने स्क्रीन पे, और सीआरटी के बारे में अगर कोई भी इससे ज़्यादा प्रश्न आए तो ज़रूर बताइएगा कि इससे ज़्यादा भी कहीं प्रश्न आता है। तो उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी प्रयास अच्छा होगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव सोचने वाले अभी भी बहुत दुनिया में भरे हुए हैं, तो बनने दीजिए। हमारा काम है आपके साथ जुड़ना, लेकिन टेक्निकली करेक्ट रूप से। हो सकता है हम भी मिस्टेक करें या आप मिस्टेक करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो एक एडुकेटेड पर्सन का निशानी होता है कि आप टेक्निकल टर्म में बात करें, गलत या सही। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, मिसलीड हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज कभी गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।